पानीपत में आयोजित होने वाली कांग्रेस की पोल खोल हल्ला बोल रैली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर विरोधी नेताओं को अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे। कांग्रेस की पोल खोल हल्ला बोल रैली में जाने के लिए कांग्रेस युवा नेता जगबीर जोगना खेड़ा ने सैकड़ों वाहनों के साथ हजारों कार्यकर्ताओं के काफिले को रवाना किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि भाजपा लगातार भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देते आई है, लेकिन राफेल मामले में भाजपा सरकार ने सबसे बड़ा घोटाला कर भारत की जनता के साथ विश्वासघात किया है। पानीपत में डॉक्टर अशोक तंवर की रैली में भाजपा और केंद्र सरकार की पोल खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लगभग 2500 से 3000 तक कार्यकर्ता पानीपत की रैली में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों से जिस तरह झूठ बोलकर सत्ता हथियाने का काम किया था, उसकी जनता के सामने पोल खुल चुकी है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए 156 वादों में से एक भी पूरा नहीं किया। सर क्या कहेंगे जो आज काफिले के साथ सैकड़ों काफिले के साथ जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर रैली में? मैं प्रदेश की जनता से ये अपील करूंगा और ये आज का जो काफिला हम जिस तरह से यहाँ लेकर चले हैं, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा लोगों ने मेरा साथ दिया, इकट्ठे होकर यहाँ से पानीपत की रैली के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि अब भाजपा के खिलाफ हरियाणा प्रदेश के अंदर एक लहर चल गई है। इस लहर में भाजपा कांग्रेस पार्टी का डॉक्टर अशोक तंवर जी का साथ दें, जिससे प्रदेश को खुशहाल बनाया जा सके और एक अमन चैन और भाईचारा दोबारा से हरियाणा प्रदेश के अंदर कायम किया जा सके। क्या होगा पोल खोल रैली में, किसी पोल खोली जाएगी? मुख्यतः रूप से पोल तो भाजपा सरकार की ही खोली जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने राफेल घोटाला, सेना के जवानों में दलाली खाने का कार्य किया, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम जिसका इन पर कोई असर नहीं, GST, नोटबंदी, बहुत से मुद्दे हैं प्रदेश में, महिलाओं की सुरक्षा, अन्य तरह के मुद्दों को लेकर डॉक्टर अशोक तंवर जी आज इनकी पानीपत के अंदर ऐसी पोल खोलेंगे कि इन्हें अपने सारे कियों पर आज पछतावा भी होगा। कितने कार्यकर्ताओं के साथ? लगभग 2500 प्लस आदमियों के लोगों के साथ, और गाड़ियों तो मैं काउंट नहीं कर पाया पर बहुत गाड़ियां थी, शायद आपने भी देखी है। सभी साथियों के साथ हम रवाना हो चुके हैं और 1 घंटे के बाद हम पानीपत पहुंचेंगे।